हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ओल है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ओल की चोखा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने ओल को छील कर इस तरह से कट कर ली हूँ। तो छीलने से पहले आपको हाथों में सरसों का तेल लगा लेना है, तभी इसको कट करना है, नहीं तो हाथों में बहुत खुजली होगी। सरसों का तेल लगा लेंगे तो खुजली बिल्कुल भी नहीं होगी। ओल को काटने के बाद अच्छी तरह से 2-3 बार साफ पानी से धो लेना है। तो मैं यहाँ पे अच्छे से धो ली थी। अब इसको एक कुकर में डाल दी हूँ और इसको हमें अभी उबालना है। तो उबालने के लिए यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। तो पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, तो मैं यहाँ सिर्फ 1 गिलास ही पानी डाली हूँ। और अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं और इसमें अब आधा नींबू काट कर डाल देंगे, ताकि इसमें जो भी खुजली वगैरह होता है वो नींबू और हल्दी डालने से वो इसमें से निकल जाएगा। तो जब इसका हम चोखा बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये मुंह में नहीं लगेगा। तो नींबू और हल्दी पाउडर डालकर ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पे बस 2 सीटी हमें लगाना है। इसमें कुकर में 2 सीटी लग गया, तो मैं यहाँ पर उतार कर ठंडा होने दे दी हूँ और अब बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा अदरक, लहसुन, 1 प्याज और नींबू ली हूँ। अदरक लहसुन को अब हमें अच्छे से कूट लेना है। तो इस तरह के खलबट्टे में मैं अदरक लहसुन को अच्छी तरह से कूट लूँगी और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दी हूँ ताकि ये अच्छे से कूट जाए। और प्याज को भी बारीक बारीक काट ली हूँ। कुकर यहाँ ठंडा हो गया है, तो मैंने सिर्फ 2 सीटी ही लगाई थी गैस का फ्लेम मीडियम करके और ये अच्छे से पक गया है। तो अब इसको पानी में से निकाल कर एक प्लेट में हमें रख लेना है। और इसको ये ओल हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ही फायदेमंद होता है। तो इसको आप किसी न किसी रूप से अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, चाहे इसका चोखा बना के या सब्जी बना के। इस ओल को कई जगह पर सूरन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सूरन को मैंने 1 कांटा चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से सबको मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ और मैं 2 हरी मिर्ची और प्याज को भी बारीक बारीक काट ली थी, तो इसको भी डाल देती हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से ही डालें। और आधा कटा हुआ नींबू का रस इसमें डाल देना है। इसके बाद 2 चम्मच सरसों का तेल, कच्चा तेल इसमें डालना है। कच्चा तेल डालने से काफ़ी ही अच्छा टेस्ट हो जाता है चोखा का। और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चोखा बनके तैयार हो गया है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अब इसके फ़ायदे के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आप सबको। ओल में विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन 1 और फॉलिक एसिड होता है। इसके अलावा विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि शरीर को कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में सहायता करता है। और सूरन ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक करता है। इसमें मौजूद एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों के कारण यह गठिया और अस्थमा रोगियों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। सूरन में पाया जाने वाला कॉपर लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाकर शरीर में ब्लड के फ्लो को सही करता है और आयरन ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने में मदद करता है। और आप अब जान लें कि किन लोगों को सूरन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं और जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम होती है तो उनको बिल्कुल भी ओल का सेवन नहीं करना चाहिए। आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।